सोमवार दिल्ली में गड़ब मेट्रो ट्रेन संपूर्ण क्षमतारे यात्रा करिपारिबे यात्री एपटे 50% दर्शकों नहीं चलीपे सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थिएटर स्पा कर्मचारी टीकाकरण और परीक्षा उपरे गुरुत्व करोनार भय भितर खोलिबाकु जाउछि स्कूल श्रेणीगृह पाठपढ़ाई विभिन्न स्कूल पक्षर चली व्यापक प्रस्तुति कोविड गाइडलाइन अनुसार श्रेणीगृह को विशोधन फोकस रे दशम और द्वादश क्लास पुलिस गुड़ी में टली पड़ा कुख्यात गैंगस्टर चौद्वार बारीपदा जेल को नेवा समय खसी जावाक उद्यम करुथिला हाइदर सिमुलिया निकटरे एनकाउंटर बालेश्वर हॉस्पिटल रे मृत उत्तेजना आशंकर हाइदर गांव में पुलिस छाउणी टोकियो रे टेक रखिले मीराबाई चानू 49 केजी भार उत्तोलन में भारत पर आणिले रौप्य पदक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सारा देश छुटिला शुभेच्छार सुअ तेबे पुरुष हॉकी मैच रे दुई ओडिया खेला दमदार प्रदर्शन कालिया परे किसान पीएम किसान योजन अयोग्य हिताधिकारी खातु फेर टंका 42 लाख अयोग्य चाषी तीन हजार कोटी आदाय करे केंद्र सरकार संसद में सूचना दे केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार लांच मामलें जमिन पाई जेल रु बाहर आशुतोष मिश्र हेले पुणी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामलें गिरफ करनेला विजिलांस एपटे विजिलांस सरकारी वकिल पदर बहिष्कार एवं नीलकंदर में बड़ ठाकुर रथजात्रा परे रत्नवेदी में चतुर्धा मूर्ति महाप्रभु नीलाद्री विजे पर श्रीमंदिर आज बाहर नीलाचल अभड़ा सोमवार दिल्ली में गड़ब मेट्रो ट्रेन संपूर्ण क्षमतारे यात्रा करिपारिबे यात्री एपटे 50% दर्शकों नहीं चलीपे सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थिएटर स्पा कर्मचारी टीकाकरण और परीक्षा उपरे गुरुत्व करोनार भय भितर खोलिबाकु जाउछि स्कूल श्रेणीगृह पाठपढ़ाई विभिन्न स्कूल पक्षर चली व्यापक प्रस्तुति कोविड गाइडलाइन अनुसार श्रेणीगृह को विशोधन फोकस रे दशम और द्वादश क्लास पुलिस गुड़ी में टली पड़ा कुख्यात गैंगस्टर चौद्वार बारीपदा जेल को नेवा समय खसी जावाक उद्यम करुथिला हाइदर सिमुलिया निकटरे एनकाउंटर बालेश्वर हॉस्पिटल रे मृत उत्तेजना आशंकर हाइदर गांव में पुलिस छाउणी टोकियो रे टेक रखिले मीराबाई चानू 49 केजी भार उत्तोलन में भारत पर आणिले रौप्य पदक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सारा देश छुटिला शुभेच्छार सुअ तेबे पुरुष हॉकी मैच रे दुई ओडिया खेला दमदार प्रदर्शन कालिया परे किसान पीएम किसान योजन अयोग्य हिताधिकारी खातु फेर टंका 42 लाख अयोग्य चाषी तीन हजार कोटी आदाय करे केंद्र सरकार संसद में सूचना दे केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार लांच मामलें जमिन पाई जेल रु बाहर आशुतोष मिश्र हेले पुणी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामलें गिरफ करनेला विजिलांस एपटे विजिलांस सरकारी वकिल पदर बहिष्कार एवं नीलकंदर में बड़ ठाकुर रथजात्रा परे रत्नवेदी में चतुर्धा मूर्ति महाप्रभु नीलाद्री विजे पर श्रीमंदिर आज बाहर नीलाचल अभड़ा बुलेटिन आरंभ करिबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर दिल्ली में धीरे धीरे स्वाभाविक होउछि जीवन यात्रा कोरोना काल में जीविका को स्वाभाविक करिबा लक्ष्य रे आसंता सोमवार ठारो सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थिएटर खोलिबा को निष्पत्ति नहीं दिल्ली सरकार 50% दर्शकों नहीं सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स और थिएटर खोलिबो सेहीपरि सोमवार सका 6टा पूर्ण क्षमतारे गड़ब मेट्रो ट्रेन स्पा खोलिबा टीकाकरण और कोरोना परीक्षा को गुरुत्व दिखाई सोमवार ठारु स्पा खोलुवा बेले समस्त कर्मचारी संपूर्ण टीकाकरण करने को कहुई नहले प्रति 15 दिन में थे कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव देवाक हेबो गत 24 घंटे दिल्ली में जड़े हेले व्यक्ति कोरोन मृत्यु ना मात्र 66 नुआ आक्रांत चिन्हट होता बेले 52 जन सुस्थ होती दिनक परे आरंभ हेबो दशम और द्वादश श्रेणी पाठपढ़ा श्रेणीगृह में सीधासलख पाठ पढ़े छात्र छात्री एथिपाई स्कूल को पिलामाने आसिबा पूर्वरु सरकार गाइडलाइन अनुसार श्रेणीगृह गुड़िकर सानिटाइज कराचिबार व्यवस्था करा जायछि सेहिपरि अभिभावक मानंक सह आलोचना करिछंती स्कूल कर्तृपक्ष
दिनक परे खोलिबो स्कूल समग्र राज्य रे दशम एवं द्वादश श्रेणी खोलिबा नै राज्य सरकार अनुमति देबा परे आरंभ होईछि प्रस्तुति। द्वितीय लहर भय और तृतीय लहर आशंका भितरे सारा राज्य रे आरंभ हेबाकु चाउछि दशम द्वादश श्रेणी छात्र छात्रिंकर पाठपढ़ा। श्रेणीगृह से सीधा सड़क पाठ पढ़े छात्र छात्री श्रेणीगृह से पाठपढ़ा समय पिलामानंकु किभळि करोनार सुरक्षा जगाय दिया सेतिपाई समस्त प्रस्तुति करिछंती स्कूल कर्तृपक्ष। राज्य सरकार कोविड गाइडलाइन अनुसार श्रेणीगृह को विशोधन करा सहित परिवेश को सफा सुतरा करा जाउछि। बर्तमान गवर्नमेंट रो एसओपी गाइडलाइन अनुसार आम पिला माने 20 रु 25 जन गोटे क्लास क्लास रे बसिबे सेथिपे आमर 10 टी रूम प्रस्तुत हो जाइछि। प्रति रूम को आमर सानिटाइज करा सरलानी एवं वर्तमान बाहर मध्ये सानिटाइज करा होची। पिला आज आमर स्टाफ मानक सहित वर्चुअल मीटिंग अछि, काली गार्डियन मानक सहित मीटिंग करा जिवो एवं एसओपी अनुसार जो गार्डियन माने चाहिबे से माने तांको पिला मानको अनुमति देले पिला माने आसीकि पाठ पढिबे। जो ऑनलाइन पाठ पढा करा जाउछि से ऑनलाइन पाठ पढ़ारे सबु स्थान को जेहेतु इंटरनेट नहीं मोबाइल ये सब समस्या जो शिक्षा ठीक भाव पहुँच पारने समस्त छात्र छात्री पाखकु। द्वितीय कथा हला ये जो आमर विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो खुल क्लास 10 तापाई आमे सरकार गाइडलाइन अनुसार से सब कार्यकारी करुचु। स्कूल खोलिबा पूर्वरु अभिभावक मानंक सहित आलोचना करिछंती स्कूल कर्तृपक्ष। पिला मानंक स्कूल को पठाइबे कि नाही बैठक डाकी अभिभावकंकर मतामत निया जैछि एवं जेउ माने पिला मानंक पठेबाकु चाहुचंती से मानंक एक स्वीकृति पत्र दबा पई कहा जैछि। जो नोटिफिकेशन रे गवर्नमेंट करो एसओपी और गाइडलाइन आमे आम स्कूल रे कंप्लीटली ताको मानुचु। पिला एंट्री कला टाइम रे स्कूल को एंट्री कला टाइम रे गेट पाखरे आमे थर्मल स्कैनिंग करुचु, आमे मास्क ओके पई तांको देखुचु जे मास्क से माने पिंधिचंती और प्रॉपर्ली पिंधिचंती। आमे एया भी तांको करुचु जे हैंड सैनिटाइजेशन करुचंती। तापरे से माने जो क्लास को जाउचंती सेथिरे डिमार्केशन हेची सोशल डिस्टेंसिंग करी केमती क्लास को जिबे। तबे केते पिला स्कूल आसिबे अभिभावक माने पिला मानको स्कूल को छाड़िबे कि नाही ता उपर रहुछि समस्तंकर नजर। भुवनेश्वर देवाशिष सासपल को रिपोर्ट कनेक्ट न्यूज। पुलिस गुली रे टळी पडिछि कुख्यात गैंगस्टर शेख हैदर। केन्द्रापड़ारु जो गैंगस्टर सारा ओडिशा रे अपराध नेटवर्क चलाइथिला शेषरे सेही गैंगस्टर रो जीवन जाइछि पुलिस गुली रे। तबे बालेश्वर रो सिमुलिया थाने ताकु एनकाउंटर करिछि पुलिस। आज चौद्वार जेल रु हैदर को बारीपदा निया जाउथिला। अपराह्न तीनटा पाखापाखि सिमुलिया निकटरे परिसरा करिबा बाहनारे गाड़ी ओल्हाइथिला एही गैंगस्टर। पुलिस सूचना अनुजाई तळकु ओल्हाइबा परे सांगरे जाइथिबा पुलिस कर्मचारीक बंदूक छड़ाई खस्ती जिबा पई धस्ताधस्ती करिथिला हैदर। खस्ती पळाइबाकु उद्यम करुथिबा बेले गुळी चलाइथिला पुलिस एवं सेहिठारे टळी पडिथिला हैदर। ताकु अति गुरुतर अवस्थारे बालेश्वर मेडिकल को नेइथिला पुलिस। निस्तेज अवस्थारे मेडिकल रे से पड़ी रहिथिला हैदर जीवित कि मृत एहाकु नै द्वंद्व उपजिथिला। शेषरे हैदर को मृत घोषणा करथिले मेडिकल कर्तृपक्ष। हैदर इज नो मोर मृत बोली ताकु डिक्लेअर कर रहा जगार गोली सेटा पोस्टमार्टम कले जणा पडियो से जे पोस्टमार्टम नकले जणा पडियो आज्ञा मेडिकल असल को बहुत क्रिटिकल कंडीशन थिला। डॉक्टर देखला को से एकदम गेस्पिंग स्टेट रे थिले से विद इन 5-4 मिनट्स भितरे देखले जाउ नो मोर बालेश्वर रे पोस्ट। जो अयोग्य हिताधिकारी कृषक सम्मान निधि योजना रे टंका नीछंती से माने टंका फेरेबे। एपरी हिताधिकारी ठारु टंका वसूल करिबा लागि एबे योजना करुछंती सरकार। केन्द्र कृषि मंत्री सूचना अनुसार सारा देश में एपरी 42.16 लाख लोके चिन्हट होती जो माने चासी न होई मध्य कृषक सम्मान निधि योजना रे लाभ नेउछंती। एमानक ठारु 992.75 कोटी टंका रिकवरी लागि सरकार एबे योजना प्रस्तुत करुछंती। सरकार को अनुसार एमाने सही चासी जो माने आयकर रिटर्न फाइल करुछंती। ओडिशार 8000 रु एभली हिताधिकारी रहिछंती। आसाम रे सबुठु अधिक रिकवरी हेबाकु थिबा बेले पश्चिमबंग रु खूब कम रिकवरी हेबो बोली कहिछंती केन्द्र कृषि मंत्री। एहा पूर्वरु ओडिशा रे कालिया योजना रे टंका नेइथिबा अयोग्य हिताधिकारी को चिन्हट करथिले राज्य सरकार। सेमानंकु टंका फेराइबाकु कहा जाइथिला किंतु टंका फेरि नथिला।
କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ତାଲିକା ଯେଉଁ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ତାକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ କିଷାନମାନଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜିରେ ହେଉ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମିଛ ତାଲିକା କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଲିଙ୍କିଂରେ ଅନେକ ଜାଲିଆତି କରିବା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଏଇଥିରେ ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ବାସ୍ତବ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ଆଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର ସ୍ମଲ୍ ଫାର୍ମର କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି, କିଏ ଫାର୍ମର ନୁହନ୍ତି ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି ସେ କଥା କିଏ କହିଲେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବ ବା ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସବଜେକ୍ଟ ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରର ରାଜ୍ୟର ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କରିନାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାର୍ଟି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ମୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପୁରା ଦେଇସାରିଛି। ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିନ ପାତ୍ର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସଫଳତା ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଆମେ 96% 0.7% ସଫଳତା ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ପାର୍ଟି ଆମ ପାର୍ଟିର ପ୍ରବକ୍ତା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପୁରା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ନା ତ୍ରୁଟି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଏ, ଆମ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଆମେ ସଫଳତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ସଫଳତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ। ରକ୍ଷକ କେମିତି ଭକ୍ଷକ ହୋଇପାରେ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଉଥିଲେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଓକିଲ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓକିଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲଢୁଥିଲେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ ହୋଇଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଲଢ଼ିବା ଥିଲା ଏହି ବାବୁଙ୍କ କାମ। ହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ଲଢୁଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କେସ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ, ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଠୁଳ କରି ବଢ଼ାଉଥିଲେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା, ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସେହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର, ସେହିଦିନଠାରୁ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ। ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଲା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିଲା। ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଥିଲା, ଆଉ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପଦରୁ ବି ସରକାର ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ଜେଲ୍ ଯିବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଦୁର୍ନୀତିର ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ। 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା, ଏବେ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଚାଦର ଭଳି ଉଠିଯାଉଛି ଏହାର ପିଚୁ। ରାସ୍ତା କାମ ସରିବାର 15 ଦିନ ନ ବିତୁଣୁ ପରସ୍ତ ହୋଇ ପିଚୁ ଉଠିଗଲାଣି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗଠାରୁ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନିମାପଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ KBM ନାମକର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାକଟପୁର ନିକଟ ସୋମନାଥପୁରଠାରେ ଗତ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାମ
कराजाई पिचु पका जाइथिला एने स्थानीय लोक अभियोग करिसेंति रास्तारे गलाबेले खंड खंड पिचु चादर भली उठी जाउथबा देखिबाकु मिलुछि 42 कोटी टंका खर्च कराजाई एही रास्ता निर्माण कराजाइथबा बेले एथिरे होइथिबा दुर्नीति स्पष्ट भाबरे बारी होइ पडुछि निम्नमानर काम पछरे ठिकादार ओ विभागीय अधिकारीनकु दायी करिसेंति स्थानीय लोके खोलाखोली किछि नाही राती 10टा परे काम होउछि मंत्री जंत्री आउ ठिकादारी ए तीन जणक मधुचंद्रिकारे 50 कोटी टंकार राजस्व लिट होइछि आगु को माँ मंगलांक पीठ पीर जहानिया साहबंक पीठ लक्ष लक्ष श्रद्धाळु सदाबेले जीवा आसीबा करुछन्ति ए रास्ता बे मरणा जनता पालिछि मासे न पुरुणु पिचु उठिलाणी जहाँकि आपण मैंने देखी 21 वर्ष शासन विकास सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा नवीन पटनायक जहाँकि जन को नहीं मंत्री कर गाड़ी रही अस्तरंग चाबी रही भुवनेश्वर रे गोटे मीटिंग रे प्रेस मीट रे काकटपुर रे जनई थी राती अधिया काम पूर्त विभाग सरकारी सहित जो सालिस करी मंत्री जंत्री ठिकादार तीन जन मिसी एटी मंत्री को लांच दे रास्तार अवस्था देखु बोधे कम होबार दुई मास रु तीन मास होती रास्ता आज उठबार गलानी लक्षाधिक टंका एटी ठिकादार हड़प कर रास्ता उपरे एटी निजे प्रशासक दायी निजे शासक दायी एटी निजे कंट्राक्टर तांकर निजर व्यवसाय वृद्धि करने व्यवस्था कर रास्ता तो खंडिया खबर आई जाए उठी जाए सब फाड़ फाड़ उठी देखते नुआ रास्ता पूरा नुआ रास्ता उठी जा मन मन फाड़ फाड़ी निम्नमान कार्य निम्नमान आम तो विषय जाना ना निम्नमान ना उठब कहीं।